हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और बैचलर्स किचन हिंदी में आपका स्वागत है। फेस्टिवल सीजन्स का आना और खास करके मिठाइयां जब वो बनी हो घर की, उनका आना एक सौगात की तरह होता है। इसलिए आज हम घर पे बनी हुई बेहद आसानी से और कम खर्च में बनी हुई एक ऐसी रेसिपी लेके आए, काजू की बर्फी या कहूँ काजू की कतली की, जिसको बनाना बेहद आसान है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। काजू की कतली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 150 ग्राम यानी 150 ग्राम काजू लिए हैं। यहाँ पे मैंने साबुत काजू लिए, आप चाहें तो इसकी थोड़ी सी कॉस्ट को कम करने के लिए टूटे हुए काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इन काजुओं को एक मिक्सर या ग्राइंडर में एकदम बारीक हमको पीस लेना है। देखिए काजू का हमने बना लिया है एकदम बारीक पाउडर, और इसकी क्वांटिटी देख के आप बता नहीं सकते कि 150 ग्राम है, क्योंकि पीसने के बाद आपको लगेगा ऑलमोस्ट इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। काजू हुए अपने पीस के तैयार। तो इसी के साथ अगला इंग्रेडिएंट, यहाँ पे शुगर यानी चीनी ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक कटोरी, उसी के साथ साथ मिल्क पाउडर ले रहा हूँ अपने, वो भी एक कटोरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलते हैं अभी कुकिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दिया है और उस पर रखेंगे पैन या कढ़ाई, और अभी उसमें अपनी शक्कर यानी चीनी की एक कटोरी जो ली है वो डालेंगे। उसी के साथ साथ आधी कटोरी यहाँ पे मैं पानी की डाल रहा हूँ, वो भी इसमें डाल के अच्छे से मिला लेंगे। चीनी के घुलने के बाद अपने गैस को चलाते हुए एक स्ट्रिंग यानी एक तार की चाशनी बनानी है। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हमने इसको चलाया और अपनी एक तार की चाशनी बनके बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। जैसे ही अपनी चाशनी तैयार हो जाती है, हमको डालना है उसमें अपने पिसे हुए काजू का जो पाउडर हमने बनाया था वो डालना है, और उसको बहुत अच्छे से हिलाते हुए मिक्स कर लेना है। जैसे ही अपना काजू का पाउडर इसमें मिल जाए, उसी के साथ साथ यहाँ पे अपना मिल्क पाउडर यानी दूध पाउडर इसमें डालेंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे एक टिप है, जो दूध पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप चाहें तो यूज़ करें, आप चाहें तो ना करें। क्यों किया है मैंने यूज़, वो इसलिए क्योंकि पहला तो मिल्क पाउडर डालने से इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, दूसरा मिल्क पाउडर का अपना एक नेचुरल स्वाद होता है वो भी इसमें आएगा। फिलहाल दोनों चीज़ें हुई मिक्स, और इसमें डालेंगे घी। 1 चम्मच घी सिर्फ हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। घी इसमें डालना है और अपने को बहुत अच्छे से इसको मिला लेना है। वीडियो का ये पार्ट देख के आपको लग रहा होगा कि इसमें तो गांठे जैसी पड़ गई हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, अपने को इसको चलाते रहना है। अभी डालेंगे इसमें आधा कटोरी मिल्क यानी दूध, वो डालना है और अच्छे से मिला लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे वीडियो में, मैंने इसको चलाते हुए मिला लिया है और इसकी गांठें डिजोल्व होना स्टार्ट हो गई हैं। इसमें इलायची का जबरदस्त स्वाद देने के लिए 2 इलायची जिसका कूट के मैंने पाउडर बना लिया वो इसमें डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बमुश्किल 2 से 3 मिनट और इसको पकाना है। और अपना बर्फी का जो बेस है वो बन के ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब आपको पता कैसे लगा कि ये तैयार हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए आप वीडियो में जैसा देख पा रहे हैं, जब ये कढ़ाई या पैन छोड़ने लगे, ऐसे जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ स्पैचुला से, ये चिपक नहीं रहा बिल्कुल भी, जिसका मतलब है अपना बेस जो है बर्फी या कतली का बनके तैयार हो चुका है। अभी एक प्लेट या कोई और बर्तन लेंगे, उसको मैं यहाँ पे घी लगा के ग्रीस कर ले रहा हूँ। जैसे अपनी प्लेट या बर्तन हुआ चिकना, अपना जो बेस है बर्फी का वो उसका निकालेंगे इसमें, और इसको ऐसे इस प्लेट में निकाल के आराम से स्पैचुला से चलाते हुए थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अपने को बहुत ठंडा नहीं करना है, नहीं तो इसके ऊपर पपड़ी आ जाएगी। इसको सिर्फ इतना गर्म करना है, इतना ही गर्म रखना है कि इसको हम हाथ में ले पाएं या पकड़ पाएं। लगभग 5 से 10 मिनट बाद अपना जो बेस है वो थोड़ा सा गर्म रह गया है, सिर्फ गुनगुना कहूँ तो रह गया, जिसको मैं ऐसे हाथ से टच करके फोल्ड भी कर पा रहा हूँ। एक इसको मैं डो यानी आटे का जो एक डो बनाते वैसे ही शेप दे दूंगा। वैसे तो बर्फी या किसी भी ऐसी चीज़ों के लिए बटर पेपर बहुत आइडियल चीज़ है, लेकिन हर घर में बटर पेपर यूज़ हो ये ज़रूरी नहीं, इसलिए यहाँ पर मैं नॉर्मल प्लास्टिक का यूज़ कर रहा हूँ, जो आम घर में इस्तेमाल होने वाला है उसी प्लास्टिक का यूज़ कर रहा हूँ। इस पर अपने बेस को निकालेंगे, हाथ से ऐसे थोड़ा फ्लैट करते हुए बेल के एक डो की शेप में, जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं ऐसा सा कुछ बना लेंगे।
डो हुआ अपना तैयार। अब इसको हाथ से ऐसे प्रेस करते हुए थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, फिर इसके ऊपर प्लास्टिक की दूसरी लेयर लगाएंगे। प्लास्टिक से ढकने के बाद किसी बेलन से अपने को इसको थोड़ा सा पतला कर लेना है, थिकनेस इसकी कम करनी है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा मोटा है। ये बेलन से बेल के हमने इसको फाइनली कुछ इतना सा मोटा कर लिया है, इतना सा थिक रख लिया है। नेक्स्ट इसमें लगाएंगे सिल्वर यानी चांदी का वर्क, ये आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग है, आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल चीज़ है। अभी अपने बर्फी का बेस बन के तैयार है। अब इसको सेट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए एसी या पंखे के नीचे रखें। बस 20 मिनट बाद अपना बेस बन के तैयार है। अब इसकी बर्फियाँ या कतलियाँ डायमंड शेप या जो शेप आप चाहें उसमें काट सकते हैं। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं एकदम बाजार के जैसे अपनी कतलियाँ बन के तैयार हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई कमियां या सुझाव हैं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। मेरे पेज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।